आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। In this question we have given an electric lamp of 100 ohm, a toaster resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances? Answer what is the current through it though? So, यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है तीन हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक अपलायसेज है एक हमारे पास देखो लैम्प है एक हमारे पास देखो टोस्टर रेजिस्टेंस है दूसरा वाटर फिल्टर इन तीनों के रेजिस्टेंस गिवन है तीनों देखो 220 वोल्ट सोर्स मतलब मान लेता हूँ एक 220 वोल्ट की बैटरी थी जिससे इन तीनों इलेक्ट्रिकल अपलायंसेस को पैरल में कनेक्ट किया जाता था तो मान लेता हूँ जो लैम्प है इस तरह से मैंने क्या किया तीनों को कनेक्ट कर दिया सिर्फ मैं रजिस्टेंस दिखा रहा हूँ तो लैंप का रजिस्टेंस आर उसकी वैल्यू हमें गिवन कितना हंड्रेड ओम

हमारे पास देखो सोर्स है सोर्स का मतलब एक जो बैटरी मान लेते हैं ये तीनों पैरल में उस बैटरी से कनेक्ट कर दिए गए हैं बैटरी का वोल्टेज मैं मान लेता हूँ V है उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 220 वोल्ट तो यहाँ पे देखो ये तीनों इलेक्ट्रिक अप्लाइंस एक 220 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किए गए थे यहाँ पे स्विच में लगा देता हूँ जैसे ही स्विच क्लोज करूंगा इस बैटरी से करंट फ्लो करेगी आई ये करंट यहाँ पे जाएगी ऐसे आई करंट

टी वोल्ट के बराबर आएगा तो यहां से देख सकते हो जो लैंप था इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 220 ट्वेंटी बोल्ट का तो लैंप में जो फ्लो होने वाली करंट थी यहीं से निकाल सकते हो इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 220 ट्वेंटी डिवाइडेड बाई लैम्प का रजिस्टेंस कितना है हंड्रेड तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो टू पॉइंट टू एमपीयर तो आई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास देखो टू पॉइंट टू एम पीयर करंट फ्लो करेगी लैम्प से दूसरा अगर मैं आई टू निकालता तो आई टू क्या था करंट फ्लो करने वाली जो टोस्टर में करंट फ्लो कर रही थी जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम फिफ्टी मैंने तो इस टोस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट थे इस सोर्स से. सोर्स का कितना है 220 तो इस टोस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 220 डिवाइडेड बाई इसका रजिस्टेंस कितना है 50 तो जब इसको सॉल्व करोगे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा वैल्यू आएगी हमारे पास देखो ये वैल्यू आ जाएगी 4.4 पॉइंट तो टोस्टर में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास देखो 4.4 पॉइंट फोर यहाँ पे देखो थर्ड जो वाटर फिल्टर में करंट फ्लो कर रही थी वो कितनी है आई थ्री तो वाटर फिल्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 220 वोल्ट का ही होगा डिवाइडेड बाय वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास देखो 500 तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा जब आप एक करंट निकालोगे तो आपको आई थ्री की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास देखो जीरो पॉइंट तो तीनों अप्लायसेज में अलग अलग मैंने करंट निकाल दिया तो जो सर्किट से या सोर्स से जो टोटल करंट निकली थी वो हो होगा आई तो आप देख सकते हो आई इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा आई वन प्लस आई टू प्लस, प्लस आई थ्री क्योंकि यही आई जो टोटल करंट थी तीनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में डिवाइड हुई थी और यहाँ से देखो टोटल करंट आई आ जाएगी और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर आई करंट वापस आ जाएगी तो इस तरह से अगर सॉल्व करोगे तो आई वन की वैल्यू मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूँ कितना आया है टू पॉइंट टू आई टू हमारे पास आ चुका है फोर पॉइंट फोर प्लस आई थ्री हमारे पास आ चुका है जीरो पॉइंट फोर फोर जब इनको सॉल्व करोगे तो, तो टोटल करंट आपको मिल जाएगी ये वैल्यू आती है सेवन पॉइंट जीरो फोर टोटल करंट जो सोर्स से निकल रही कितना आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, में रहा है कि, तो थ्री में जो टोटल करंट जा रही थी यहाँ पे देखो कितनी थी आई करंट तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया एक दूसरा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लिया और क्वेश्चन में गिवन है ये हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक आयरन है अब मैंने तीनों को हटा के एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा दिया लेट से वो जो इलेक्ट्रिक आयरन था उसका रेजिस्टेंस कुछ R है इसको क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेम सोर्स से कनेक्ट किया जाता है मतलब कि उसी सोर्स जिसका वोल्टेज 220 वोल्ट है ऐसे कनेक्ट कर दिया गया अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास जो ये आयरन लैम्प है इसका जो रजिस्टेंस है आर इसकी वैल्यू बताइए जब इसमें उतना करंट फ्लो करे जो अभी तीनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में फ्लो कर रहा था तो तीनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में टोटल करंट फ्लो कर रही थी वो कितनी थी आई तो इस हमारे पास देखो जो हमारे पास आयरन है सॉरी इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें कितनी करंट जाएगी आई तो आप करंट पता है वोल्टेज पता है रजिस्टेंस आप निकाल सकते हो देखो वी इक्वल्स टू होता है I इन टू आर तो हमारे पास देखो जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका रजिस्टेंस हो जाएगा V डिवाइडेड बाई I टोटल करंट आपको पता है

आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर